नमस्कार जूनियर्स मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया है, एंड ये है आप लोगों का बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट थ्री का पार्ट टू तो शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट और लॉस के तो जूनियर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक से आज का हमारा पहला टॉपिक है कंप्लेंट लेटर इसके अंदर में हम लोग सिर्फ लेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेटर जो हमारे बच गए थे हम आज वो खत्म करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग कंप्लेंट लेटर पढ़ेंगे फिर एप्लॉयमेंट लेटर पढ़ेंगे फिर हम लोग इंटरव्यू लेटर के बारे में पढ़ेंगे फिर हम लोग प्रमोशन लेटर के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर हम लोग रेजिग्नेशन लेटर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आप लोगों को आता कंप्लेन लेटर कंप्लेन लेटर में आप लोगों की कुछ चार पांच पॉइंट्स लेके सबसे सबसे मैंने लिखा है प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन मार्क अगर आप कंपनी को, मतलब को अगर प्रॉब्लम है या फिर किसी को किसी से प्रॉब्लम है, तो एक किया जाता है जो कि बट अगर आप लोग मैसेज तो करिए कॉल और मैसेज करके आप लोग पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए अगर नहीं होती है तो आप लोग एक कंप्लेंट लेटर फाइल कर सकते हैं ड्राफ्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों को डिस्क्राइब आइटम एंड प्रोडक्ट आप लोगों को भी आइटम के अंदर जो भी दिक्कत लगी थी आप लोग क्लियरली वहां पर डिस्क्राइब करिए उसकी जो भी नंबर है जो भी उसकी चीजें हैं मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी चीजें थी वो भी आप करनी पड़ेगी फिर आता आप, exactly आप लोगों को क्या चाहिए आप लोगों को क्लियरली वहां पर बताना पड़ता है उस लेटर के अंदर अगर आप लोग घुमा फिर बात करेंगे तो नहीं चलेगा आप लोगों को क्लियरली बताया आपको रिफंड चाहिए आप लोगों को रिप्लेसमेंट चाहिए फिर जो भी आप लोगों की दिक्कतें हैं सब फिर आता आप लोगों का एंग्री या फिर थ्रेट लेटर या फिर आप लोगों का डरावना से लेटर आप लोगों को नहीं लिखना है ठीक है Motion, आप लोगों का क्रॉस लगा हुआ है बिल्कुल ही तो आप लोगों को एंग्री या फिर थ्रेटनिंग लेटर नहीं लिखना है आप लोगों को डराना नहीं है कंपनी को फिर नेक्स्ट आता है आप आप लोगों लोगों का इंक्लूड कॉपी कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स को एक की उसके अंदर कर देनी है जिससे पता लगेगा कि हाँ यार इसके अंदर तो दिक्कतें हैं या या फिर आप या फिर आप लोगों को एक फोटोग्राफ इमेज एड कर देनी है जिससे पता लगता है कि हाँ इस प्रोडक्ट के अंदर तो गलती है इस प्रोडक्ट के अंदर तो कुछ ना कुछ कमी है या फिर कंपनी को पता चलेगा कि हाँ कंप्लेन किस बात की कर रखी है सो ऐसे करके आप लोग कंप्लेन लेटर को फाइल कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम के अंदर और एक सैंपल भी आप बना सकते हैं सैंपल के लिए मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी से जाकर देख सकते हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों को एक लेटर कैसे फॉर्म करना होता है एक फॉर्मेट ऑफ लेटर क्या होता है और फॉर्मेट आप लोगों का जो होता है वो आप लोगों का वैसे ही रहेगा तो जस्ट आप लोगों को बस चीजें चेंज करनी है उसके अंदर की फिर आता आप लोगों का एक एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट लेटर लेटर के अंदर क्या पॉइंट्स होते हैं आप लोगों के एम्प्लॉयमेंट लेटर जो होता है वो आप लोगों का इंप्लॉय से बॉस की तरफ जा रहा होता है अब ये एम्प्लॉयर लेटर एम्प्लॉयमेंट लेटर कैसा होता है एम्प्लॉय बॉस को कैसे लिखेगा कवर लेटर होता है सबसे पहले इसके अंदर थैंक यू लेटर होता है इसके अंदर फॉलोअप लेटर होता है एक्सेप्टेंस लेटर होता है अब देखो कवर लेटर के अंदर एम्प्लॉय बॉस को लिखता है कि अपने मतलब बारे में बताया अपना इंट्रोडक्शन देता है मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं मेरे को ये चीज़ें आती है मेरे स्किल्स मेरी नॉलेज मेरा वो सब चीज़ें होंगी मेरे कवर लेटर के अंदर फिर आता है मेरा थैंक यू लेटर अगर मान लो मेरे को जॉब मिल रही है या फिर मान लो मैं इंटरव्यू देकर आया तो उसके बाद एक थैंक यू लेटर लिखा जाता है जिसके बारे में अभी हम लोग आगे भी बात करने वाले इंटरव्यू लेटर के अंदर सो उस थैंक यू लेटर को भी हम लोग लिख सकते हैं जो कि एक एम्प्लॉय अपने बॉस को लिखता है एंड इसके अलावा थैंक यू लेटर को अभी मैं आगे आप लोगों को अच्छे से समझाई दूंगा हम लोग पहले बात करते हैं फॉलोअप लेटर की और एक्सेप्टेंस लेटर की फॉलोअप लेटर जो आप लोगों का होता है वो कैसा होता है फॉलोअप लेटर के अंदर आप लोग ऐसे देखते हैं मान लीजिए मेरे को ना जॉब मिली नहीं है फिर मेरे जॉब के रिगार्डिंग उन्होंने बोला था कि हम आपको बताएंगे फाइनलाइज नहीं हुआ है तो मैं एक फॉलोअप लेटर कंपनी को भेजूंगा मैं अपने बॉस को एक फॉलोप लेटर भेजूंगा या फिर कंपनी को एम्प्लॉयर को एचआर को किसी को भेजूंगा ठीक है बेसिकली आप उस कंपनी को भेजते हैं कि क्या हुआ है उस चीज का मतलब मैंने जो इंटरव्यू दिया था क्या उसका मतलब आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप लोग मेरे को रखेंगे आप लोग मेरे को नहीं रखेंगे इसके अंदर आप ये सब चीजें लिखते हैं एंड आता है फिर आप लोग के अंदर अगर मान लो कंपनी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने मुझे जॉब दे दी है उन्होंने मुझको एक जॉब ऑफर दे दिया है तो मैं उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं एक स लेटर भी लिखता हूं जिसके अंदर मैं लिखूंगा कि हाँ मेरे को ये जॉब पसंद आ गई है मैं जॉब लेना चाहता हूं और उसके अंदर मैं अपने साइन वाइन करके उनको भेज दूंगा तो ऐसे करके एक अग्रीमेंट भी बन जाता है फिर आता है आप लोगों का इंटरव्यू लेटर इंटरव्यू लेटर के अंदर आप लोगों का मेनली आता है थैंक यू लेटर इंटरव्यू के बाद जब आप लोग थैंक्स करना चाहते हैं कंपनी को सो राइट एंड थैंक यू लेटर इन जस्ट ट्वेंटी आवर्स आप लोगों ने जब भी इंटरव्यू दिया उसके अगले चौबीस घंटे के अंदर अंदर आप लोग को एक थैंक यू लेटर कंपनी को ड्राफ्ट करना है जिससे कंपनी के आगे एक अच्छी इमेज बनती है आप लोगों की कि हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छा इंप्लॉयी है ये तो बहुत ही सही बंदा है इसको तो हम लोग को रखना ही चाहिए चौबीस घंटे के अंदर अंदर इसने खुद ही सामने थैंक यू लेटर भेज दिया चाहे इसको हम रखें ना रखें इसने खुद क्यों भेज दिया तो कंपनी के दिमाग में कैसी इमेज बनती है सेकंड पॉइंट आता है आप लोगों को फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर आप लोगों को मतलब उस जो लेटर होगा वो एकदम फॉर्मल रखना है ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं रखना है कुछ कंपनीज होती है जो आप लोगों को आगे चल के इनवायरमेंट इनफॉर्मल देती है बट आप लोगों को मेनली उस लेटर को पहले लिखते हुए फॉर्मल ही रहना है फिर आता आप लोगों का कॉपी मत भेज देना भाई क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं डिफरेंट जगहों पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं सो वो लोग क्या करते हैं एक ही कॉपी को ड्राफ्ट करते हैं और सब लोगों को भेज देते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को सेम कॉपी भेज देते हैं सो वो काम यहाँ पे नहीं करने आप लोग कॉपीज़ को मत भेजना इसके अलावा से समथिंग इन बिगनिंग आप लोगों को शुरुआत में कुछ ना कुछ कहना है अपने बारे में जिससे आप लोगों के बारे में याद दिलाए ठीक है ठीके? मतलब आप लोगों को एक ऐसी लाइन लिखनी है जो इंटरव्यू में ऐसा कुछ हुआ है वैसा कुछ होता है फिर अपना एक इंट्रोडक्शन बेसिक बेसिकस देना आप लोगों को फिर आप लोग देख सकते हैं अपनी पोजीशन डेट टाइम इन सब चीज़ों के बारे में एंड एक थैंक यू लेटर उसको पूरा का पूरा बना सकते हैं थैंक यू लेटर के अंदर आप लोगों के होंगे चार पैराग्राफ जिसके अंदर तीन से चार लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं अपने बारे में सेकंड पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप लोग लिख सकते हैं लर्निंग्स के बारे में कि कंपनी से आपको क्या क्या सीखने को मिला या फिर उस इंटरव्यू से आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिला या फिर कंपनी के अंदर आप काम करके बहुत खुश होंगे एंड ऑल फिर लास्ट में आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं जो कि आप लोगों को थर्ड या फिर फोर्थ पैराग्राफ होगा उसके अंदर आप लोग ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं कंपनी को कि हाँ हाँ आपके साथ काम करके बहुत खुश हूँ या फिर उस इंटरव्यू से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड मैं बहुत ही मतलब आगे चल के ग्रो करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ मतलब एक तरीके वैसे आप लोग एक थैंक यू लेटर बना सकते हैं फिर आता है आप लोगों का और थैंक यू लेटर इस इंटरव्यू लेटर का नाम आप लोग थैंक यू लेटर भी रख सकते हो ठीक है मेनली आप लोग को एग्जाम में इंटरव्यू लेटर के नाम से पूछ सकता है और आप लोग थैंक यू लेटर

अप्रिसिएन मतलब जो अप्रिसिएशन उसके अंदर होना चाहिए जो प्रमोशन लेटर्स होते हैं वो बहुत ही अप्रिशिएटिव होने चाहिए ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को थोड़ा सा मतलब ऐसा लगे ही नहीं यार ये तो प्रमोशन तो दिया है लेकिन कैसा गंदा सा लेटर लिख के दिया है वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को जब लेटर लिखना होता है तो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड साथ साथ में आप लोगों का अप्रिशिएटिव भी होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी की तरफ से लेटर आता ना तो लोगों को लगता है यार कंपनी मेरे साथ क्यों ही अट्रैक्टिव होगी या फिर कंपनी मेरे साथ बेसिकली अप्रिशिएटिव क्यों होगी वो लोग ज़्यादा मेरे साथ इनफॉर्मल क्यों होंगे बट हाँ ये बेसिकली एचआर वगैरह बनाते हैं तो इसके अंदर वो लोग ज़्यादा ज्यादा अप्रिशिएशन लिखते हैं अप्रीशियशन दिखाते हैं जिससे इंप्लॉय का मोरल बूस्ट होता है वो मोटिवेट ज्यादा होता है फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले भी, resignation letter. Resignation letter पे नेक्स्ट आता है हमारा रेजिग्नेशन लेटर रेजिग्नेशन लेटर में मैंने आप लोगों के लिए कुछ पे चीज़ें दे दी जो कि आप लोगों के रेजिग्नेशन लेटर के अंदर होनी ही होनी चाहिए रेजिग्नेशन लेटर आप लोगों का तब लिखा जाता है जब एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी को छोड़ रहा होता है ऑब्वियस सी बात है तो so आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफाइन वगैरह लिख सकते हैं फिर आप लोग आता है लेटर डेट इसके अंदर सबसे पहले आप लोग एक लेटर की डेट लिखेंगे जो भी लेटर डेट आप लोगों की होनी चाहिए मतलब आप लोग जिस डेट पर लिख रहे हैं सेम डेट आप लिख सकते हैं फिर आप लोग का एड्रेस आता है और एड्रेस ही आता है अब देखो लेटर डेट एड्रेस एड्रेस ये तीन चीज़ें तो आप लोगों की नॉर्मल एड्रेस के अंदर होती है सेंडर्स एड्रेस रिसीवर एड्रेस हो गया एंड आप लोगों का जो लेटर डेट है वो भी उसके अंदर होती है फिर आता आप लोगों का डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन आप लोगों का क्लियर होना चाहिए आप लोग फर्स्ट लाइन से ही क्लियर कर दो सब्जेक्ट के अंदर भी क्लियर कर दो कि एक रेगनेगलेशन लेटर है कि ये एक कि ये एक रेजिग्नेशन लेटर है और मैं छोड़ना चाहता हूँ कंपनी को आप लोग सारी चीज़ वहां पे क्लियरली वहाँ पे बता सकते हैं डिक्लेरेशन आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए कट टू कट होना चाहिए एंड इसके अलावा आप लोग का डेट ऑफ डिपार्चर होना चाहिए कब आप लोग कंपनी को एक्जैक्टली exactly छोड़ने वाले हैं अगर आप लोगों को नोटिस पीरियड है या फिर जो भी चीज़ें हैं तो वो चीज़ भी इंप्लॉय को वहाँ पर देखनी पड़ती है उसके हिसाब से एक्जैक्ट डेट क्या होगी कि आप लोग जिस दिन कंपनी को प्रॉपर्ली छोड़ देंगे वो वहाँ पे मैंशन होनी चाहिए जिससे आप लोगों की कंपनी को भी एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है नए इंप्लॉयो को हायर करने के लिए एंड आप लोग का रीज़न होना चाहिए रीज़न आप लोग को ऑप्शनल है अगर आप लोग को देना है तो आप दे सकते हैं एम्प्लॉय की मर्जी होती है या फिर नहीं देना तो इंप्लॉय ना ना भी दे कोई दिक्कत की बात नहीं होती क्योंकि वो वैसे भी जब अगर आप कोई रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट करती हैं चाहे कंपनी आपको लो निकाल रही है या फिर आप कंपनी खुद से छोड़ रहे हैं निकाल रही होगी तो कंपनी को रीज़न पता ही होगा या फिर अगर आप लोग खुद से कंपनी छोड़ रहे हैं तो कंपनी आप लोग को बुला के नेगोशिएशन वगैरह करेगी कि हाँ यार क्या हो गया सैलरी कम लग रही है या फिर क्या चीज़ें आप लोगों को दिक्कत दे रही है तो एच आप लोगों से ऐसी बातें करता है रिज़ाइन इतनी ईजीली आप लोगों को नहीं करने देते हैं कंपनी से सो उस चक्कर में वहाँ पर इंप्लॉय को वहाँ पर बुलाया जाता है तो रीज़न तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है बाकी आप लोगों को फिर लास्ट में थैंक यू और सिग्नेचर आएगा सो ये करके आप लोगों के बाकी के बचे हुए यहाँ पे हमने आज लेटेस्ट है ऐसा हमारा रेजिग्नेशन लेटर कुछ होता है आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाकी आई होप आप लोगों को होगी। अगर आप लोगों को तो प्लीज आप इसको लाइक करे, करें शेयर कर अपने दोस्तों के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नहीं। धन्यवाद